दोस्तों, भारत सरकार ने फसे के नेतृत्व में एक निर्णय लिया है कि इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट के उत्पादन को 2022 तक 2% कर देना है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भारत सरकार ट्रांस फैट के उत्पादन कम करने की बात क्यों कर रही है। ट्रांस फैट के कारण होने वाले बीमारियों से भारत के लगभग 60,000 लोगों की मौत होती है, तो दुनिया भर में यह आंकड़ा प्रतिवर्ष 5,00,000 से अधिक का है। इस खतरे को नॉर्वे ने पहले ही भांप लिया था, तो उसने 2003 में ही ट्रांस फैट को बैन कर दिया, यानी कि वहां ट्रांस फैट का उत्पादन नहीं होता। हाँ जी, अब तो आप समझ ही गए होंगे ट्रांस फैट से कितना घातक बीमारी हो रही है। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रांस फैट क्या है। ट्रांस फैट क्या है? आपने कई फूड कंपनीज के नमकीन, जंक फूड व बिस्किट वगैरह खाए होंगे। क्या आपने सोचा है कि फूड इंडस्ट्री इन सबको बनाने के लिए कौन सा ऑयल यूज करती है? नहीं ना। दरअसल सच्चाई ये है कि फूड इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑयल का यूज ही नहीं करती। ये ऑयल की जगह वनस्पति घी का प्रयोग करती है, और वनस्पति घी को ही दूसरे शब्दों में ट्रांस फैट कहा गया है। वनस्पति घी वनस्पति तेल से बनता है। वनस्पति तेल को हाइड्रोजन कृत किया जाता है, यानी कि तेल में हाइड्रोजन मिलाया जाता है, जिसके वजह से तेल घी की तरह जम जाता है। जब तेल तरल होता है तब इसमें डबल बॉन्ड होता है, और जब इसे घी में बदला जाता है तो यह डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ट्रांस फूड हमारी बॉडी को नुकसान कैसे पहुंचाता है? सबसे पहले ये हमारे बॉडी पे मोटापा बढ़ाता है और हमारे बेली फैट के चारों तरफ फैट जमा करता है। इसे धीमा जहर भी कहा गया है। ये इसको खाने से LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तथा HDL कोलेस्ट्रॉल घटता है। LDL व HDL कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल खून के प्रवाह नलियों में जम जाता है और खून का प्रवाह ठीक से नहीं होता, जिससे हार्ट व दिमाग में समस्या होने लगती है। जब यह बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो खून का प्रवाह रुक जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ट्रांस फूड का डेंजरस होने के बाद भी फूड इंडस्ट्रीज इसका उपयोग क्यों कर रही है? पहला कारण इसका ये है कि ये प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है। ये बहुत सस्ता होता है, ये फूड के स्वाद को बढ़ाता है। इसका यूज कई बार कर सकते हैं।